गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हम इसी गांव में रुकने के लिए सोच रहे हैं, क्या हम आज रात आपके यहां रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, वह किसी काम की नहीं है, गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती थी। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए। एक दिन शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आई। उसने सोचा कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जहां उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे हैं। तभी उधर से उस घर का मालिक आया। शिष्य ने उसे पहचान लिया और उस आदमी से बोला, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। उस आदमी से पहचान लिया और बोला, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आँखों से अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ में आ गई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हैं लेकिन कोई ना कोई चीज़ हमें रोक कर रखती है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।